तो देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है जीन म्यूटेशन की विशेषताएं। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन मतलब जीन उत्परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती है कि भैया जीन उत्परिवर्तन जो होता है उसकी विशेषताओं के अंदर आपकी जो पॉइंट दिए हुए कुछ इनके बारे में हम इनका एक्सप्लेन करेंगे। तो इनमें पहला जो पॉइंट है कि वो जीन उत्परिवर्तन पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जीन उत्परिवर्तन पूर्ण रूप से अनिश्चित होते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जीन उत्परिवर्तन कोई भी ऐसा निश्चित नहीं है भी एक विशेष समय ही हो, या मान लीजिए किसी भी समय जीन के अंदर क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। उसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि भी अनिश्चित होता है, मतलब ये कोई क्या है, निश्चित घटना नहीं है। पहला तो ये हो गया इसकी विशेषता है। दूसरे देखिए, जीन उत्परिवर्तन बिना किसी पूर्व अनुमान के हो सकता है, मतलब हम व्यक्ति के जीन की संरचना को अगर मान लीजिए अध्ययन करते हैं तो उस संरचना के अंदर हम देख के या किसी जीव के जीन की संरचना को हम देख कर पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते कि इस सजीव के अंदर इस प्रकार से इसके अंदर जीन उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो बिना पूर्व अनुमान के ये क्या होता है, अचानक ही होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए, किसी भी जीन को मतलब कोई भी जीन कितनी बार परिवर्तित हो सकता है, उत्परिवर्तन जीन कुछ समय के लिए सामान्य अवस्था में भी रह सकता है, मतलब कोई भी जीन कितनी बार भी क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। जैसे हमने देखा कि प्यूरिन के स्थान पर मान लीजिए पिरिमिडिन आया, ठीक है, तो पिरिमिडिन के स्थान पर आगे चलकर प्यूरिन भी आ सकता है, ठीक है, या फिर उस पिरिमिडिन के स्थान पर कोई अन्य पिरिमिडिन आ सकता है, या उस पिरिमिडिन के स्थान पर कोई प्यूरिन आ सकता है, उस प्यूरिन के स्थान पर कोई अन्य प्यूरिन आ सकता है। मतलब जीन उत्परिवर्तन ऐसा नहीं है कि जनक से एक बार संतति में हो गया तो वो दोबारा भी क्या हो सकता है, जीन परिवर्तित हो सकता है, ये भी संभावना रहती है कि जीन उत्परिवर्तन ऐसा नहीं है कि एक बार एक संरचना में जीन उत्परिवर्तन हो गया तो अगली बार नहीं होगा, तो जीन उत्परिवर्तन हो सकता है दोबारा भी। ठीक है, तो और जो उत्परिवर्तित हुआ जो जीन है, जैसे मान लीजिए एक संतति के अंदर दूसरी संतति से जब मान लीजिए जीन जाता है, या मान लीजिए जनक से जब जीन संतति के अंदर जाता है तो वो जीन कुछ समय के लिए अपना प्रभाव बिना दर्शाए संतति के अंदर रह सकता है, परंतु एक समय ऐसा आता है जब वो जीन अपना क्या दर्शाता है, प्रभाव दर्शाता है। उस समय हम क्या देखते हैं कि भी इस जीव के अंदर या इस जाति के अंदर क्या हुई है, उत्परिवर्तन की घटना हुई है। ठीक है, तो जो उत्परिवर्तित हुआ जो जीन है वो कुछ समय के लिए सामान्य अवस्था में संतति के अंदर रह सकता है, परंतु एक समय पर वो अपना प्रभाव जरूर दर्शाएगा। नेक्स्ट, जीन उत्परिवर्तन एक दिशा में होता है, यह एक स्थिति में पूरा होकर पुनः उत्परिवर्तित होते होते अपनी मूल अवस्था, मूल अथवा सामान्य स्थिति में बदल सकता है। मतलब जीन उत्परिवर्तन एक दिशा में होता है, मतलब पैतृक से संतति, संतति से उस की संतति के अंदर, फिर दोबारा ये सामान्य अवस्था में भी आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परिवर्तित हो गया तो परिवर्तित जीन पहले जिस अवस्था में था वो उस अवस्था में भी लौट सकता है। ठीक है भाई, देखिए लगभग सभी जीवों में वर्तमान पाए जाने वाले सभी जीन क्या है, मूल जीन के उत्परिवर्तित रूप है। मतलब मनुष्य के अंदर जो जीन है या फिर किसी भी अन्य जीन के अंदर, मतलब या फिर कोई भी सजीव की जाति जो इस समय इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, प्रभावी रूप में उपस्थित है, मतलब वर्तमान युग के अंदर उपस्थित है, तो इनके अंदर जितने भी जो जीन है वो इनसे पहले जो जीन उपस्थित थे, मतलब जो मूल जीन थे, उन मूल जीनों के क्या है, परिवर्तित रूप है। ध्यान में रखिएगा, मतलब पहले कुछ जीन थे वो उन जीनों के अंदर परिवर्तन हुआ तो एक नई जाति क्या हुई, विकसित हुई। मतलब आज के समय कोई भी जीन क्या है वो अपने मूल रूप के अंदर न होकर क्या है, एक उत्परिवर्तित रूप के अंदर क्या है, यहाँ पर उपस्थित है। इसके बाद अगला देखते हैं कि कुछ उत्परिवर्तित रूप प्रभावी होते हैं जो अपने विशेषक की अभिव्यक्ति को निश्चित रूप से बदल देते हैं, जबकि कुछ उत्परिवर्तन रूप मतलब उत्परिवर्तित रूप अप्रभावी होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति उनके प्रभावी रूपों द्वारा क्या कर दी जाती है, दबा दी जाती है। मतलब आपने जीन के अंदर देखा है कि जीन की जो संरचना है, पीछे हमने क्या देखा कि एक जीन के दो विप्रयासी रूप होते हैं, एक तो प्रभावी होता है दूसरा अप्रभावी होता है।
तो अप्रभावी क्या होता है, कभी कभी प्रकट होता है। जैसे हमने हीमोफीलिया पढ़ा, वर्णांधता पढ़ा, तो हीमोफीलिया वर्णांधता के अंदर हमने क्या देखा कि हीमोफीलिया का जो अप्रभावी जीन है या जो वर्णांधता का अप्रभावी जीन है, अगर वो क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, मतलब अपने अप्रभावी रूप के अंदर आ जाए, तभी क्या होगा, हीमोफीलिया होगा या क्या होगी, वर्णांधता होगी। मतलब हीमोफीलिया या वर्णांधता के अप्रभावी जीन जब समयुग्मजीय अवस्था में आ जाते हैं, जैसे स्मॉल सी ठीक है, स्मॉल एच, तो क्या होगा, वर्णांधता उत्पन्न होगी। परंतु कैपिटल एच स्मॉल एच दोनों उपस्थित है, मतलब एक प्रभावी है, किस्मो अप्रभावी है, तो प्रभावी है प्रभावी के प्रभाव को क्या करता है, दबाए रखता है। जैसे आपने देखा कि हीमोफीलिया वर्णांधता, इन दोनों रोगों की महिलाएं क्या होती है, वाहक होती है। वाहक क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर दो प्रकार के एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के एक्स गुणसूत्रों में से अगर एक एक्स गुणसूत्र पर प्रभावी जीन है, तो वो प्रभावी जीन अप्रभावी जीन को क्या करता है, कि अप्रभावी जीन के प्रभाव को क्या करता है, दबाए रखता है। तो प्रभावी अप्रभावी जीन अपना प्रभाव नहीं दर्शा सकता। तो कुछ उत्परिवर्तित रूप प्रभावी होते हैं, और वो प्रभावी जो रूप होते हैं वो अप्रभावी लक्षणों को क्या, या जीनों को क्या करते हैं, दबाए रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। अधिकतर उत्परिवर्तन जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि कोशिका की संरचना बहुत ही जटिल होती है, अतः उसके जीन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन होता है, सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न होता है। तो सिकल सेल एनीमिया कब उत्पन्न होता है, जब ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर कौन हो जाता है, वेलिन अम्ल आ जाता है। तो वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है, तो वेलिन क्या करता है, रक्ताल्पता कर देता है, मतलब हीमोग्लोबिन अब सामान्य हीमोग्लोबिन उत्पन्न करता है, जिससे वो जो सिकल सेल एनीमिया है वो व्यक्ति के लिए क्या होता है, घातक होता है। ठीक है भाई, तो उत्परिवर्तन अधिकतर क्या होते हैं, जीवों में घातक भी होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है 8 नंबर। इसके अंदर देखिए कि प्रभावी जीन उत्परिवर्तन के कारण कोशिका की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, हो सकती है, अतः प्रभावी उत्परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं, जबकि अप्रभावी जीन उत्परिवर्तन कोशिका में अधिक अवधि तक बने रहते हैं, क्योंकि उनके कारण किसी कोशिका की मृत्यु नहीं होती है। तो देखिए, प्रभावी जीन मतलब उत्परिवर्तन के, अगर उत्परिवर्तन के अंदर अगर प्रभावी जीन आ जाता है, मतलब किसी संतति के अंदर ऐसा प्रभावी जीन उत्पन्न हो जाता है उत्परिवर्तित प्रकार का, कि वो अपना प्रभाव प्रकट कर दे उस संतति के अंदर, तो उस संतति की उस प्रभावी जीन से क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अगर उत्परिवर्तित हुआ जीन इस प्रकार का है कि वो प्रभाव नहीं दर्शा सकता, मतलब जीन उत्परिवर्तित तो हो गया परंतु वो क्या है, अपनी अप्रभावी अवस्था में है, तो अप्रभावी अवस्था में होने के कारण अपना प्रभाव नहीं दर्शा सकता है, जिससे उस संतति से वो अगली संतति में भी क्या हो सकता है, संचरित तो हो सकता है। ठीक है भाई, 9 नंबर देखिए, कुछ सूक्ष्म प्रभावी उत्परिवर्तन जिनका प्रभाव कोशिकाई क्रिया के साथ मिल जाता है, वे लंबे समय तक बने रहते हैं, क्योंकि उत्परिवर्तन होने के बावजूद कोशिका क्या रहती है, जीवित रहती है। मतलब कोशिका का जो, कोशिका के अंदर जो उत्परिवर्तन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जारी रह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपना जीन म्यूटेशन की विशेषताएं। ठीक है, तो अब जीन म्यूटेशन की विशेषताओं के बाद हम क्या देखते हैं, जीन उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई किन कारणों के कारण जीन उत्परिवर्तन हो सकता है। तो इसके अंदर आप देखिए कि जीन उत्परिवर्तन की दर को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों में से कुछ कारक का प्रयोग कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन के प्रेरण हेतु किया जाता है। इस हेतु सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक मूलर ने 1927 में ड्रोसोफिला, या जो आपकी फल मक्खी होती है, पर एक्स किरणों के द्वारा किया। मूलर द्वारा किए गए कार्य इस क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मूलर को इस हेतु 1946 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मतलब देखिए, एक तो उत्परिवर्तन इस प्रकार का होता है कि जो प्राकृतिक रूप से होता है, मतलब उसका मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, और एक उत्परिवर्तन इस कारण भी हो सकता है कि कुछ मानविक जो क्रियाएं होती है उनके कारण भी उत्परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक्स किरणें, परमाणु बम जो विस्फोट करते हैं, उसके अंदर से विशेष प्रकार की क्या होती है, हानिकारक जो न्यूक्लियर जो भट्टियाँ होती हैं उनसे विशेष प्रकार की क्या होती है, हानिकारक किरणें निकलती है, और वो जो हानिकारक किरणें होती है वो आपके जीन के अंदर क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अगर जीन के अंदर आपके परिवर्तन हो गया तो उनसे जो उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है वो भी क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। तो मूलर ने सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से
किसके अंदर उत्परिवर्तन किया अभी, ड्रोसोफिला के अंदर उत्परिवर्तन किया जो फल मक्खी है, ठीक है। ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने क्या डाला, एक्स किरणें डाली। एक्स किरणें क्या होती है अपने लिए, किसी भी जीव के लिए हानिकारक होती है, जो उसके आनुवांशिक पदार्थ में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो देखिए जो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हम उत्परिवर्तन जन कहते हैं। देखिए वे पदार्थ अथवा कारक जो किसी कोशिका में उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन जन कहते हैं। मतलब वे पदार्थ या कारक जो कोशिका के अंदर या किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ के अंदर क्या करते हैं, उत्परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन जन कहते हैं। उत्परिवर्तन जन मतलब म्यूटेजन कहते हैं, जो म्यूटेशन की क्रिया वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपने, म्यूटेजन कहलाते हैं या उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन जन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे असामान्य अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी जो लाइट होती है वो कर सकती है, ठीक है। रेडियो पदार्थ से निकलती अल्फा बीटा गामा किरणें, ठीक है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के द्वारा रासायनिक उत्परिवर्तन जैसे मस्टर्ड गैस, एक्टिनोमाइसिन डी गैस, ठीक है भाई। तापक्रम में वृद्धि उत्परिवर्तन की दर को क्या करती है, बढ़ाती है। तो आपने देखा होगा कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको कौन रोकता है, ओजोन रोकती है। तो वो ओजोन अगर नष्ट हो जाए तो सूर्य से क्या आएगी, अल्ट्रावायलेट किरणें आएगी या पराबैंगनी किरणें आएगी, वो भी क्या कर सकती है, मनुष्य के अंदर उत्परिवर्तन कर सकती है, ठीक है भाई। जो रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाली जो किरणें होती है, अल्फा बीटा गामा किरणें, उनसे अंदर जो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन निकलते हैं, ठीक है भाई। आपने पढ़ा है कि भाई न्यूट्रॉन टूटते हैं प्रोटोनों के जुड़ने से, तो फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, अपने लिए हानिकारक होते हैं। और ये सब चीज़ें या यह सब जो कारक होते हैं वो अपने जो आनुवांशिक पदार्थ या जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, सीधे रूप से प्रभावित करते हैं, उसके अंदर क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। जैसे आपने पीछे कई आनुवांशिक विकार देखे, जिसे हम मान के चलते हैं एक एडवर्ड सिंड्रोम मान के चलते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर आपने क्या देखा कि जो 5 नंबर गुणसूत्र था उसकी एक छोटी भुजा टूटकर अगर विलुप्त हो जाए, तो उस छोटी भुजा के टूटकर विलुप्त होने का कारण, अगर आप मान लीजिए उसको एक्स किरणों से तोड़ते हो गुणसूत्र को, तो वो अगर मान लीजिए लोकस अगर टूट गया या एक भाग टूट गया, तो उस भाग के ऊपर जो जितने जीन उपस्थित थे वो जीन भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिरोशिमा व नागासाकी जापान के अंदर जब बम गिराए गए थे, परमाणु बम, तो उस परमाणु बम से जितने भी जो रेडियो एक्टिव किरणें निकली थी, उन रेडियो एक्टिव किरणों ने वहाँ पर जो लोग थे उनके जीनों को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। तो उन जीनों को प्रभावित करने से आज भी वहाँ पर जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनके अंदर कई प्रकार के आनुवांशिक विकार क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है भाई। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो एक्स किरणें, गामा किरणें, डेल्टा किरणें ये जो होती है वो अपने लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, ठीक है भाई। तो ये था आपका उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक व उत्परिवर्तन का महत्व, कि भाई जो उत्परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, किन कारणों से होता है, कैसे होता है। तो हमने पढ़ा है अभी तक जीन के अंदर उत्परिवर्तन। अब दूसरी जो हेडिंग है वो अपनी है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, कि मान लीजिए अगर पूर्ण गुणसूत्र के अंदर ही उत्परिवर्तन हो जाए तो किस प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना आएगा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ये था अपना जीन उत्परिवर्तन, यहाँ पर अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपना आता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, मतलब गुणसूत्रों के अंदर होने वाले उत्परिवर्तन। पीछे हमने क्या देखा, जीन के अंदर होने वाले उत्परिवर्तन, मतलब एक जीन ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो जीन चेंज किस प्रकार से होगा, जीन की संरचना का निर्धारण कौन करता है, एमिनो अम्ल का क्रम। तो अगर एमिनो अम्ल के क्रम, मतलब सॉरी एमिनो अम्ल का क्रम नहीं, नाइट्रोजनिक क्षारकों का क्रम, अगर नाइट्रोजनिक क्षारकों के क्रम के अंदर परिवर्तन हो जाए तो मान लीजिए जीन के अंदर क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। अब देखते हैं अपना गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्र आपको पता है जीन के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन के वाहक, मतलब इनके ऊपर क्या स्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर गुणसूत्र पर स्थित, देखिए गुणसूत्र पर स्थित
गुणसूत्र परिस्थिति जीन की संरचना में या जीन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन आता है, गुणसूत्र परिस्थिति जीन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन आता है अर्थात उस पर उपस्थित कुछ जीन या तो लुप्त हो जाते हैं या नए जीन जुड़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब जब एक गुणसूत्र की जीन व्यवस्था में अंतर आता है, मतलब या तो उस पर कोई गुणसूत्र जुड़ जाए या फिर उस पर सॉरी या तो उस पर कोई जीन आकर जुड़ जाए अतिरिक्त, या फिर गुणसूत्र पर जो जीन है वो उस गुणसूत्र पर से हट जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्र परिस्थिति जीन की व्यवस्था, जैसे मान लीजिए ये है अपना गुणसूत्र, ये जीन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सीक्वेंस है, ठीक है, गुणसूत्र पर जीन है। अब इसमें से हम मान लीजिए ए बी जीन अगर यहां से गायब हो जाए, यहां से क्या हो जाए, गायब हो जाए मतलब हट जाए, तो अब ये जो गुणसूत्र होगा, देखिए जोड़ दीजिए ए बी, तो यहां पर जो उत्परिवर्तन होगा वो देखिए यहां पर क्या रह जाएगा, सी डी ई एफ, नीचे क्या रह जाएगा, एफ, ए बी क्या हो गया यहां पर टूट कर गायब हो गया, मतलब हट गया, ये दो जीन क्या हुआ यहां से हट गए, और इन दोनों जीनों के हटने से, देखिए ये दो जीन यहाँ पर हट गए, और इन दोनों जीनों के हटने से जो लक्षण संतति में जाने चाहिए थे, मतलब ये जो जीन संतति में जो लक्षण लेकर जा रहे थे वो लक्षण संतति में नहीं पहुंच पाएंगे और उनके अंदर क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था अपना कर्म का। अब मान लीजिए कई प्रकार से हो सकता है, या तो हट जाए, या फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक अन्य गुणसूत्र का जीन, मतलब किसी अन्य गुणसूत्र के जीन किस गुणसूत्र पर आकर जुड़ जाए, मान लीजिए के एल एम दो जीन आते हैं, तो वो जीन अब अगर इन गुणसूत्र पर जुड़ जाए ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी एच आई जे के, अब यहां पर क्या आ गए, दो गुणसूत्र आ गए एल एम, तो इस गुणसूत्र के अंदर क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, ठीक है। देखिए पहले जीन की व्यवस्था ये थी, हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है कि गुणसूत्र परिस्थिति जीन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ जाए अर्थात उस पर उपस्थित कुछ जीन या तो क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, या फिर कोई नए जीन आकर उस पर क्या हो जाए, ऐड हो जाए या जुड़ जाए, वो क्या कहलाता है, अपना गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहला सकता है। अब गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या तो गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन होगा या फिर गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होगा। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है दो प्रकार का होता है, पहला है गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन, सॉरी संरचनात्मक मान लीजिए, संख्यात्मक परिवर्तन। दूसरा आ जाएगा अपना गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन व संरचनात्मक परिवर्तन किसमें आ जाए भाई, गुणसूत्रों में। अब देखिए संख्यात्मक परिवर्तन मतलब एक जीव की कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या तो घट जाए या बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाता है, गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन।
अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई अर्थात जीन उसके ऊपर जो अतिरिक्त जीन आ गए, मतलब एक गुणसूत्र पर अनेक जीन है, जैसे मान लीजिए ये दो जीन गुणसूत्र है किसी कोशिका के अंदर, अब दो के स्थान पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र और आ जाए, तो इस गुणसूत्र के साथ नए जीन भी तो आए हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है जीन भी उपस्थित है गुणसूत्र के ऊपर, मतलब यहाँ पर जीनों की संख्या भी क्या हो गई बढ़ गई गुणसूत्र की संख्या बढ़ने के साथ। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन जो पीछे हमने देखा है ना, जो जीनी व्यवस्था होती है ए बी सी डी, तो ए बी हट जाए तो गुणसूत्र की यहाँ पर क्या हो जाए सी और डी बचे, तो ये क्या है गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। मतलब गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन तो वो होगा कि गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होंगे उनकी व्यवस्था ही चेंज हो जाएगी, और गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन मतलब गुणसूत्र में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा परंतु या तो अतिरिक्त गुणसूत्र आकर ऐड हो जाएंगे या गुणसूत्र कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो पहला देखते हैं हम गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन किस प्रकार से। तो देखिए गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन है, देखिए संख्यात्मक का मतलब गुणसूत्र में परिवर्तन होगा न कि जीन में। यहां पर गुणसूत्रों की ध्यान किया, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, संख्या में परिवर्तन होता है न कि जीन में। जीन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। आपको पता है कि प्रत्येक जीव की कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या है निश्चित है, मनुष्य में 46 है। ठीक है, प्रत्येक जीव की जो कोशिका उसमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है, किसी में 7 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, ठीक है, किसी में मनुष्य में 46 है। ठीक है, तो अब देखिए अगर किसी जीव की कोशिका में, मान लीजिए किसी जीव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, किसकी संख्या भी गुणसूत्रों की संख्या दो गुनी या तीन गुनी या अनेक गुनी हो जाती है, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो इस प्रकार को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता, बहुगुणिता कहते हैं। मतलब किसी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या उसकी मूल गुणसूत्रों की संख्या से क्या हो जाए दो गुनी तीन गुनी या अनेक गुनी। मनुष्य में कितने हैं 46, तो 46 के कितने डबल कर दीजिए, कितने हो गए भाई 6 6 12 80 ले तो कितने हो गए 92। अगर मनुष्य क्या हो जाए 92 गुणसूत्र हो जाए तो मनुष्य से एक अलग ही क्या होगी जाति उत्पन्न हो गई। तो किसी जीव की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या उससे दो गुनी या तिगुनी या अनेक गुनी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ये आपको पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता होती क्या है। ठीक है, अब बहुगुणिता जो होती है वो कई प्रकार की होती है। बहुगुणिता अपनी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सुगुणिता। देखिए ये जो बहुगुणिता होती है वो क्या होती है अर्धसूत्री विभाजन के अंदर आप सामान्यता के कारण होती है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोशिका के अंदर क्या होना है समसूत्री विभाजन होना है, क्या होना है इस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से आपको पता है कि दो कोशिका बनती है और प्रत्येक कोशिका में कितने कितने गुणसूत्र जाएंगे 46 46 गुणसूत्र जाएंगे। अब जब देखिए 46 46 गुणसूत्र जब दोनों कोशिका के अंदर जाएंगे तो मान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन के अंदर कुछ असामान्यता हो जाए इस प्रकार की कि कोई भी एक घटना हो जाए जिससे मान लीजिए तर्कु तंतु बनना बंद हो जाए या तर्कु तंतु बीच में टूट जाए, तो तर्कु तंतु बीच में टूट जाएंगे तो आपको पता है देखिए पहला जोड़ा दूसरा ये तीसरा जोड़ा इस प्रकार से 23 तो जोड़े होते हैं और प्रत्येक जोड़े में दो गुणसूत्र, तो टोटल कितने गुणसूत्र 46। तो आधे तो इसमें जाने आधे इसमें जाने, मतलब 23 भाग इसमें जाने और 23 गुणसूत्र इसमें जाने हैं। तो जाने से पहले ये क्या होंगे डबल होंगे,
ये पहले क्या होंगे, डबल होंगे। फिर ये आपको कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन पढ़ाया, तो उसके अंदर देखिएगा कि किस प्रकार से ये बढ़ते हैं, तो तब आपको समझ में आएगा। तो जिस समय तर्कु तंतु का निर्माण होता है, जिस समय तर्कु तंतु का निर्माण होता है, तर्कु तंतु नहीं बने तो ये जो 40-40 गुणसूत्र नए बने थे, इस 40 से जो एक मान लीजिए नए 40 गुणसूत्र बने थे, वो एक ही कोशिका में रह जाते हैं, इसमें रह जाए, एक ही कोशिका में रह जाए, तो कोशिका क्या हो जाएगी, उत्परिवर्तित हो जाएगी। तो इसमें कितने गुणसूत्र आ गए, 92 गुणसूत्र आ गए। ठीक है, यह था अपना गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन कई प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है संख्यात्मक परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं सुगुणिकता व असुगुणिकता, यूप्लोइडी व एन्यूप्लोइडी, जिसे हम कहते हैं सुगुणिकता, इसे अंग्रेजी में कहते हैं यूप्लोइडी। ठीक है, दूसरा है आपका असुगुणिकता, तो उसे हम कहते हैं एन्यूप्लोइडी, असुगुणिकता, इसे हम कहते हैं एन्यूप्लोइडी, एन्यूप्लोइडी। तो जो गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन है, दो प्रकार का होता है, पहला होता है सुगुणिकता, या इसे हम कहते हैं यूगुण, यूप्लोइडी, दूसरा होता है असुगुणिकता, जैसे हम कहते हैं एनुप्लोइडी, मतलब पॉलीप्लोइडी दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है, पॉलीप्लोइडी या बहुगुणिकता दो प्रकार की हो सकती है, सुगुणिकता व असुगुणिकता। ठीक है भाई, तो देखिए पहला सुगुणिकता क्या होता है, किसी जीव या कोशिका में उपस्थित आधारभूत गुणसूत्रों के समुच्चय को एक गुणिकता कहते हैं, यदि किसी जीव के आधारभूत गुणसूत्रों में दो या अधिक समुच्चय आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व सुगुणिकता कहते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है, स्व बहुगुणिकता व पर बहुगुणिकता, स्व बहुगुणिकता व पर बहुगुणिकता। देखिए आपको पता है किसी जीव के अंदर क्या होते हैं, निश्चित क्या होते हैं, आधारभूत गुणसूत्र समुच्चय होता है, जिसे हम एक गुणिकता कहते हैं। जैसे मनुष्य की कोशिका में कितने 46 गुणसूत्र है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक गुणिकता, क्या कहते हैं, एक गुणिकता, मोनोप्लोइडी। इसे हम क्या कहेंगे, एक गुणिकता कहेंगे, मतलब इसके अंदर आधारभूत गुणसूत्र जो संख्या है वो क्या है, निश्चित है, तो इसे हम कहेंगे एक गुणिकता। तो अगर मान लीजिए स्व बहुगुणिकता, मतलब एक ही जाति की कोशिका के गुणसूत्र अगर डबल हो जाए, उसे हम स्व बहुगुणिकता कहते हैं। पर बहुगुणिकता, दो भिन्न जातियों के गुणसूत्र आपस में मिल जाए, मतलब कोशिकाओं में दो भिन्न जातियों के गुणसूत्र आ जाए पास पास में, उसे हम कहते हैं पर बहुगुणिकता। तो पहले देखिए स्व बहुगुणिकता किस प्रकार से होती है, स्व बहुगुणिकता अगर मान लीजिए इसे हम कोल्चिसिन रसायन के द्वारा क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे बात करें धनकंद के अंदर, ये धनकंद होता है आपका कोल्चिसिन पादप का, कोल्चिकम आठ मनेलम, ये पादप है कोई कोल्चिकम आठ मनेलम, आठ मनेल अभी सॉरी कोल्चिकम आठ मनेल। तो कोल्चिकम आठ मनेल जो पादप है, इस पादप का जो धनकंद होता है, उस धनकंद से एक रसायन स्रावित होता है, जिसे हम कहते हैं कोल्चिकम कोल्चिसिन रसायन, कोल्चिसिन कोल्चिकम
आत्मनिलम से एक रसायन श्रावित होता है जिसे हम कहते हैं कोल्चिसिन रसायन। ये कोल्चिसिन रसायन क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र है, 7 गुणसूत्र है, कितने सॉरी 14 गुणसूत्र है, कितने गुणसूत्र है भाई, 14 गुणसूत्र है। अगर इस कोल्चिसिन रसायन को इस कोशिका के ऊपर छिड़का जाए कोशिका विभाजन के समय, समसूत्र विभाजन होता है, मान लीजिए इसके अंदर 14 गुणसूत्र जाने चाहिए, ठीक है, परंतु ये कोल्चिसिन रसायन क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय तर्कु तंतुओं को तोड़ देता है और तर्कु तंतु टूट जाते हैं जिससे एक नई कोशिका उत्पन्न हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तित कोशिका कहते हैं। इसके अंदर कितने होंगे भी गुणसूत्र, 28 गुणसूत्र होंगे, कितने गुणसूत्र होंगे, 28 गुणसूत्र। तो इसके अंदर ये क्या हो गई उत्पन्न, द्विगुणितता उत्पन्न हो गई, क्या उत्पन्न हो गई, द्विगुणितता, या किसी पादप के अंदर किसी कोशिका के अंदर त्रिगुणितता भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये कोशिकाओं का समूह है, एक जोड़े में कितने गुणसूत्र भाई, 2 गुणसूत्र, परंतु अब देखिए कितने आ जाएंगे, एक जोड़े में 4 गुणसूत्र आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 4 गुणसूत्र, क्योंकि 14 तो इधर वाले हो गए, मतलब 7 जोड़े तो ये हो गए, 7 जोड़े ये आ गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विगुणितता कहते हैं, ठीक है। त्रिगुणितता के अंदर एक जोड़ा और आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कोशिका है जिसके अंदर ए ए गुणसूत्र है, ए ए, ठीक है, इस प्रकार से जोड़े उपस्थित है। अब कोशिका विभाजन होता है तो इनकी डुप्लीकेट बनती है, वो डुप्लीकेट इसी कोशिका में रह जाए तो इसके अंदर आपको परिवर्तन दिखाई देगा ए ए, तो ये तो क्या हो गए, एक ही जाति के अंदर उसी जाति की कोशिका में क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, स्व बहुगुणितता कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, स्व बहुगुणितता, ठीक है भाई, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि भी पहले कितने थे, जैसे ए ए मतलब एक सेट था गुणसूत्रों का, ये इधर देखिए, तो ये जो एक सेट था गुणसूत्रों का, परंतु जब इसकी डुप्लीकेट बनी और अर्धसूत्री विभाजन होना प्रारंभ हुआ, परंतु कुछ कारणवश अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सका, तो उसके डुप्लीकेट इसी कोशिका में रह गए इनके गुणसूत्रों के साथ में, देखिए इधर, तो इधर ये क्या हो गया, पहले तो मान लीजिए ए ए मतलब एक जोड़े में 2 गुणसूत्र थे, ठीक है, परंतु अब जोड़े में कितने गुणसूत्र आ गए, 4 गुणसूत्र आ गए, जोड़े कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, स्व बहुगुणितता कहते हैं, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर आगे हम बात करते हैं पर बहुगुणितता की, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पर बहुगुणितता या असुगुणितता क्या होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, साथ साथ में इसके नोट्स भी तैयार करते रहिए, धन्यवाद, गुड बाय। तो देखिए अब अपना नेक्स्ट है पर बहुगुणितता, पीछे हम सुगुणितता की बात कर रहे थे पीछे वीडियो में, तो नेक्स्ट अपना पर बहुगुणितता, सुगुणितता दो प्रकार की होती है, पहली है स्व बहुगुणितता, स्व बहुगुणितता मतलब एक कोशिका में जब विभाजन हो रहा होता है, जैसे मैं बात की थी 14 गुणसूत्र, तो इसी से जब समसूत्र विभाजन होता है तो समसूत्र विभाजन में परिवर्तन हो जाए, तो इसी से क्या हो जाए, अनेक गुणसूत्र इसमें आ जाए, तो इसे हम कहते हैं स्व बहुगुणितता, मतलब एक ही जातीय गुणसूत्र, जैसे मान लीजिए पहले ये कोशिका थी ए, 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 ए। ये इसके अंदर गुणसूत्र थे, तो इसके अंदर इस प्रकार से इसके डुप्लीकेट इसी में रह जाते हैं, बस हम क्या कहते हैं स्व बहुगुणितता, ये एक ही जाति के अंदर। परंतु पर बहुगुणितता के अंदर जब हम दो जातियों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, देखिए एक जाति हमने ली रेफेनो सेटाइवा, एक जाति ली रेफेनो सेटाइवा, दूसरी ली ब्रेसिका ओलेरेसिया, दूसरी जाति कौन सी ली, ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो रेफेनो सेटाइवा या इसे मूली कहते हैं, मूली का बोटनिकल नेम है रेफेनो सेटाइवा, इसके मूली के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 18 गुणसूत्र, और ब्रेसिका ओलेरेसिया के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, गोभी के अंदर 18 गुणसूत्र। जब मूली व गोभी के अंदर क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, तो इनके पादपों में मध्य क्रॉस करवाने से एक नई जाति उत्पन्न हुई जिसके अंदर कितने गुणसूत्र थे, 36 गुणसूत्र थे, कितने थे, 36, मतलब 18 तो इसके आ गए और 18 इसके आ गए। तो देखिए इसको हम दर्शाते हैं ए ए से, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, इसके गुणसूत्र हम दर्शाते हैं ए ए से और इसके दर्शाते हैं बी से, इसे दर्शाते हैं बी से। तो देखिए इसके अंदर जो गुणसूत्र आएंगे वो कितने होंगे, ए ए, साथ में किसके होंगे, बी बी, ठीक है। स्व बहुगुणितता में क्या था, एक ही जाति के थे,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितने हैं, एक ही जाति है तो ए दर्शाया है। तो यहाँ पर बहुगुणिता में क्या आ गया, एक तो देखिए किसके गुण सूत्र हो गए मूली के, दूसरे किसके आ गए गोभी के, ठीक है। रेफेनो सटाइवा ब्रेसिका ओलेरेसिया के मध्य क्रॉस करवाया तो उत्पन्न होने वाली जाति का नाम हमने क्या रखा, रेफेनो ब्रेसिका। क्या उत्पन्न हुई, रेफेनो ब्रेसिका। रेफेनो ब्रेसिका की कोशिका में कितने गुणसूत्र थे, 36। तो इसके अंदर देखिए गुणसूत्रों की संख्या बढ़ी है, जीन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, गुणसूत्र अतिरिक्त जुड़ गए मतलब जीन भी अतिरिक्त जुड़ गए, परंतु जीन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मूल रूप से जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 18 इसके 18 इसके, तो कितने गुणसूत्र आ गए, 36, जिससे एक नई जाति उत्पन्न हुई, इसे हम क्या कहते हैं, रेफेनो ब्रेसिका कहते हैं। तो ये था अपना सुगुणिता, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सुगुणिता मतलब किसी जाति का जो मूल गुणसूत्रों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक गुणिता। उसे हम क्या कहते हैं, एक गुणिता, मूल गुणसूत्रों की संख्या। जैसे 14 है तो ये एक गुणिता है, 18 18 है तो ये दोनों क्या है, एक एक गुणिता है, परंतु मूल गुणसूत्रों में ही परिवर्तन हो जाए। जैसे 14 के स्थान पर 28 आ गए, ठीक है, या फिर 14 के स्थान पर 28, तो मतलब एक ही जाति के अंदर हुआ तो उसे हम कहते हैं स्वबहुगुणिता। पर बहुगुणिता दो जातियों के मध्य संकरण से उत्पन्न हुआ एक नई जाति तो उसे हम कहते हैं पर बहुगुणिता। तो यहाँ पर देखिए दो जातियों के गुणसूत्र आ गए तो उसे हम कहते हैं पर बहुगुणिता। तो इस जाति का नाम क्या हुआ, रेफेनो ब्रेसिका, ठीक है भाई। अब अपने बात करते हैं असुगुणिता की भी, असुगुणिता क्या होती है, तो देखिए अपना असुगुणिता क्या होती है, तो असुगुणिता की परिभाषा देखते हैं कि एक जाति के गुणसूत्रों में, या देखिए एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के समय अपसामान्यता से असामान्यता के कारण उत्पन्न कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, असुगुणिता कहते हैं। देखिए एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के समय अपसामान्यता के कारण उत्पन्न जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाए या अधिक हो जाए। अब वो एक हो सकती है कम, या दो कम हो सकती है, तीन गुणसूत्र कम हो सकते हैं, परंतु जो हमने सुगुणिता देखी थी, सुगुणिता के अंदर गुणसूत्रों के समुच्चय गायब हो रहे थे। देखिए गुणसूत्रों के समुच्चय यहाँ पर देखिए ए ए ए ए यहाँ पर देखिए गुणसूत्रों के समुच्चय में मतलब जोड़ों के अंदर परिवर्तन हो रहे थे, परंतु असुगुणिता है अपनी, उस असुगुणिता के अंदर क्या होगा, तो देखिए असुगुणिता में क्या होता है कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है या बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, असुगुणिता। असुगुणिता दो प्रकार की होती है, पहली होती है अधोगुणिता, दूसरी होती है आपकी अधिगुणिता। अधोगुणिता या अधिगुणिता, तो अधोगुणिता के अंदर देखिए यहाँ पर एक अथवा एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधोगुणिता कहते हैं। यदि एक अथवा एक से अधिक गुणसूत्र कम हो जाए सुनी तो उसे हम क्या कहते हैं, अधोगुणिता कहते हैं, ठीक है। अधो का मतलब क्या है, भी कम होना, देखिए अधोगुणिता। अगर गुणसूत्रों की संख्या, जैसे मान लीजिए कोशिका है, उस कोशिका के अंदर गुणसूत्र के जोड़े अपने ये, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अधोगुणिता कहते हैं, या इसे हाइपोप्लोइडी कहते हैं, ठीक है। हाइपोप्लोइडी के अंदर ये गुणसूत्र अपने सामान्य, जैसे मान लीजिए पहला जोड़ा दो गुणसूत्र, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक जोड़े में दो दो गुणसूत्र।
अब इसके अंदर अर्धसूत्र विभाजन से ऐसी अब समानता उत्पन्न हो जाती है, या तो इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाए, अतिरिक्त ऐड हो जाए किसी जोड़े के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ गया इसके अंदर। यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या आ गया, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, एकादी सूत्रता। इसे हम क्या कहते हैं, एकादी सूत्रता। मतलब यहाँ पर देखिए कोशिका क्या थी, पहले 2n थी, यहाँ पर क्या थी 2n, मान लीजिए मनुष्य की है तो मनुष्य की कोशिका तो 2 × 23 तो कितने हैं, 46 गुणसूत्र है। परंतु यहाँ पर 2n+1 हो जाता है, 2n+ क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एकादी गुणसूत्रता। इसे हम दर्शाते हैं 2n+1, मतलब जो जोड़ा था उसमें क्या आ गया, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ गया। तो इसे हम कहते हैं एकादी सूत्रता, या इसे हम कह सकते हैं मोनोसोमी। इसे हम कहते हैं मोनोसोमी, ठीक है। दूसरा, अगर दो गुणसूत्र बढ़ जाए, अगर कितने गुणसूत्र बढ़ जाए, दो। यहाँ पर देखिए एक गुणसूत्र ये बढ़ गया, एक गुणसूत्र ये बढ़ गया। अब जरूरी नहीं है अलग अलग, ये एक स्थान पर भी बढ़ सकते हैं। एक गुणसूत्र यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ बढ़ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विअधी सूत्रता, ठीक है, या नल्ली सोमी कहते हैं। सॉरी घट गया, सॉरी यहाँ पर बढ़ेगा नहीं गुणसूत्र, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या घटेगी। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी भी, घटेगी। अधोगुणिता मतलब है एक गुणसूत्र का क्या होना, कम होना। इसे हम कहेंगे एक न्यून सूत्रता। इसे हम क्या कहेंगे, एक न्यून सूत्रता। जैसे मान लीजिए 2n थी, तो यहाँ पर एक गुणसूत्र क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पर एक गुणसूत्र क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी, 2n-1, ठीक है भाई। मतलब एक गुणसूत्र जोड़े में से यहाँ पर क्या हो गया, गायब हो गया। इसे अगर मान लीजिए दो गुणसूत्र गायब हो जाए, तो उसे हम कहते हैं द्वि न्यून सूत्रता। उसे हम क्या कहते हैं, द्वि न्यून सूत्रता। इसे हम कहते हैं 2n-2। देखिए यहाँ पर दो गुणसूत्र ये गायब हो जाए, ये दो गुणसूत्र क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, 2n-2, द्वि न्यून सूत्रता। तो देखिए अधोगुणिता, अधोगुणिता के अंदर एक या एक से अधिक गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अधोगुणिता कहते हैं। अधोगुणिता दो प्रकार की, मोनोसोमी व दूसरा है द्वि न्यून सूत्रता। इसे हम क्या कहते हैं, नल्ली सोमी। इसे हम क्या कहते हैं भाई, नल्ली सोमी, ठीक है। मतलब या तो देखिए एक गुणसूत्र कम हो गया यहाँ पर इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्र विभाजन के कारण, वो गुणसूत्र किसी अन्य कोशिका में चला गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, नल्ले सोमी, या एक न्यून सूत्रता कहते हैं। द्वि न्यून सूत्रता, एक गुण दो गुणसूत्र हट जाए, बस दो गुणसूत्र, जरूरी नहीं है कि जोड़ा जोड़ा ही गायब हो, इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ठीक है। एक एक गुणसूत्र यहाँ से क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वि न्यून सूत्रता कहते हैं। अधोगुणिता, कोशिका में से एक या एक से अधिक गुणसूत्रों का क्या होना, कम होना। दूसरा देखिए अधिगुणिता, अधिगुणिता के अंदर देखिए ये कोशिका है, एक दो, अधिगुणिता एक या एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ जाना, तो इससे जो संततियां उत्पन्न होगी उसे हम कहते हैं एकादी सूत्रता। ठीक है भाई। और दूसरा होगा द्वि अधिक सूत्रता। एकादी सूत्रता में क्या होगा, देखिए कि एक गुणसूत्र यहाँ पर बढ़ जाएगा, देखिए एक दो, ये एक गुणसूत्र यहाँ पर क्या आ गया, अतिरिक्त बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n+1, मतलब सामान्य जोड़ों की गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र यहाँ पर अतिरिक्त आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, एकादी सूत्रता। मतलब एक गुणसूत्र बढ़ जाना कोशिका के अंदर, और यहाँ पर देखिए दो गुणसूत्र बढ़ रहे हैं, ये दो गुणसूत्र इस प्रकार से भी बढ़ सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी बढ़ सकते हैं, दोनों दो जोड़ों के अंदर एक गुणसूत्र आ जाए इस प्रकार से। तो इससे हम क्या कहते हैं, द्विआधी सूत्रता। इसका सूत्र होगा 2n+2, ठीक है भाई। इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। और इसको द्विआधी सूत्र को हम कहते हैं टेट्रासोमी।
ट्राइसोमी का एग्जांपल आपने देखा क्या भाई, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर आपने क्या देखा कि 21वें जोड़े के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। आप गाइस का एग्जांपल ले सकते हैं डाउन सिंड्रोम, वहां पर हमने क्या देखा जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र था, 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। मतलब वहां पर घटना कैसी होती है, 2n+1 की होती है। तो वो घटना वहां पर क्या होती है, एकादी सूत्र का होती है। मतलब वहां पर क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है गुणसूत्र की संख्या में, ठीक है। उससे मनुष्य में क्या रोग उत्पन्न होता है भाई, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो आपने क्या देखा कि जो अपनी असुगुणिता थी उसके अंदर किसी एक कोशिका में या तो एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक या एक से अधिक गुणसूत्र कम हो जाते हैं, या फिर एक से एक या एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। एक या एक से अधिक गुणसूत्र कम होने को हम क्या कहते हैं, अधोगुणिता, या एक से अधिक गुणसूत्र को बढ़ने को हम क्या कहते हैं, अधिगुणिता कहते हैं। अधोगुणिता के अंदर यदि एक गुणसूत्र कम हो जाए कोशिका से तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं, 2n-1। अगर एक गुणसूत्र दो गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विन्यूनसूत्रता कहते हैं, मतलब नल्लीसोमी कहते हैं। अधिगुणिता, अधिगुणिता मतलब यदि एक गुणसूत्र कोशिका के अंदर बढ़ जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र मतलब 2n+1, तो इसे हम क्या कहते हैं, एकादिसूत्रता, मतलब ट्राइसोमी कहते हैं। और यदि दो गुणसूत्र बढ़ जाते हैं तो उसे कहते हैं द्व्यादिसूत्रता, टेट्रासोमी कहते हैं। तो ये था आपका गुणसूत्रों के अंदर संरचनात्मक जो परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन, सॉरी, तो संख्यात्मक परिवर्तन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए इसके साथ में इस प्रकार से ये जो डायग्राम आपको जितने बनवाए हैं वीडियो के अंदर, ये साथ में बना लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर करते रहिए आप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।